हाय गाइस, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, तुहानू पता है कि असी ईटीटी सैकंड पेपर का सिलेबस शुरू करिया सी, जिस विच असी सोशल साइंस का जो है कुछ चैप्टर कर चुके हैं, जिस विच असी अर्थशास्त्र का फर्स्ट चैप्टर जो है मुढ़लियां धारणावां वो लास्ट लैक्चर विच करिया सी। तां अज असी उसका नैक्सट चैप्टर करन लगे हां, जिसका नाम है जी भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक आधारक संरचना। तो ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल छोटा भी है, इंपोर्टेंट भी है, इस विच क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसनों आप शुरू करांगे। तो शुरू करने तो पहला मैं तुम्हें दसना चाहना कि जेकर तुसी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लवो, क्योंकि थोड़ा इस तरह ही हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पूरा सिलेबस सीरियल वाइज तैयार करवाया जाता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असं अज के लैक्चर शुरू करते हैं। तो नाम है जी अपने को भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना। तो इसका फर्स्ट जो है आधारिक संरचना की है, वो सहूलत क्रियावान सेवावान जो होरना खेतरां दे संचालन अते विकास विच सहायक हुंदियां हन। तां आधारिक संरचना की हुंदी है जी? वो सहूलतां क्रियावां अते सेवावां जो होरना मतलब किसी होर खेतरां दे संचालन अते विकास, देखो जी आपां विकास जो है इस तो देखना है, विकास डिवेलपमेंट जो हुंदी है उस विच सहायता करदे आ, जो उसनों आपां की कहने हां जी आधारिक संरचना कहने हां। ठीक है जी। तां नैक्सट क्वेश्चन इंपोर्टेंट अपने कोल, भारतीय रिजर्व बैंक जिहड़ा है भारत का केंद्रीय बैंक है, जिस की स्थापना कदों हुई जी? 1935 हुई। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक जिहड़ा है वो अपना भारत का केंद्रीय बैंक है। तो जो सैकंड बनेगा अपने को कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कदों हुई, तो अपने को राइट ऑप्शन होएगी जी 1935। नैक्सट है जी, व्यापारक बैंक जिहड़ा है थोड़े समय लिए कर्जा देंदे हैं। तो अपन आ सकता है कि व्यापारक बैंक जिहड़े है जी इन्हों का काम की हुंदा है? तो ऑप्शन जो होगा कि थोड़े समय लिए कर्जा देने लिए हुंदे आ, तो आप उसनों राइट ऑप्शन टिक करांगे। नैक्सट है जी, उपभोक्ता शोषण की हुंदा है? देखो जी, उत्पादन के गुणा दियां झूठियां सूचनावां, जिहड़ा उपभोक्ता शोषण है उस विच कीड़ियां चीज़ां आ जांदियां हन? फस्ट है उत्पादन के गुणा दियां झूठियां सूचनावां जिहड़े दिंदे आ, जां मिलावट करना, घट वजन जां गलत मापां दी वरतों करना, इदां दी जिहड़ी चीज़ां हुंदियां ने उन्हां नूं आपां कहिंदे आ उपभोक्ता शोषण। तां आपणे कोल आ सकदा है जी उपरोक्त दित्तियां विच्चों उपभोक्ता शोषण दी कीहड़ी एक उदाहरण है? तां उस विच आपां नूं इन्हां तिन्नों 'चों कोई भी ऑप्शन मिलेगी तां आपां उह जो है टिक कर दांगे, एक ऑप्शन आपां नूं मिल सकदी है। जां इदां आ सकदा है कि इन्हां तिन्नां दे सॉरी इन्हां चारां दे विच्चों कीहड़ी उपभोक्ता शोषण दी एग्जाम्पल नहीं है, तो जेकर आपने ये तीन दिते होंगे एंड फोर्थ कोई भी ऑप्शन होगी वो आप रोंग करांगे। नैक्सट है जी, उपभोगी की सुनवाई दियां अदालतां, जेकर इदां दा कुछ हुंदा है ये जिहड़े आप गल की है उपभोगता शोषण की, तो उस दियां जिहड़ी सुनवाई की जाएगी उस दी अदालतां कीहड़ियां जी? जिला अदालत, राज अदालत एंड राष्ट्रीय अदालत, ये जिहड़ी तीन अदालतां ने इन्हां ते आपां ये सुनवाई हो सकती है। नैक्सट है जी, जिस दे द्वारा सरकार देश की जनता नूं खासकर गरीब वर्ग नूं उचित मुल दियां दुकानां द्वारा जीवन दियां लोड़ी दियां वस्तां जिवें अनाज, खंड, मिट्टी का तेल आदि निश्चित मात्रा विच वंड सकती है, उस नूं की कहिंदे जी? सर्वजनक वंड प्रणाली। देखो जी, सर्वजनक वंड प्रणाली दी उदाहरण है जी ये सारी, कि जिस विच जनता नूं सरकार जिहड़ी है वह गरीबां नूं उचित मुल इत्थे गल कीती गई है, उस दे उपर ही लोकां नूं जिहड़ा अनाज, खंड या मिट्टी का तेल वगैरह जिहड़ा वंडिया जांदा है, वह प्रणाली कीहड़ी है जी? सर्वजनक वंड प्रणाली है उसनों कहा जाता है। नैक्सट है जी, सरकार द्वारा जरूरी वस्तां का किया गया भंडार बफर स्टाक अखवाउंदा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी बफर स्टाक की है? तो आप कहेंगे जी सरकार द्वारा जरूरी वस्तां का किया गया भंडार, जिवें अनाज वगैरह का भंडार सरकार को हमेशा हुंदा है, तो उसनों आप की कहने जी? बफर स्टाक। नैक्सट है जी, राष्ट्रीकरण। तो राष्ट्रीकरण की हुंदा है? देश की सरकार का व्यापारक बैंकों का मालक बनना, देश की जो सरकार है वह व्यापारक बैंकों का भी जो मालक बन जाती है तो उसनों आप की कहने जी? राष्ट्रीकरण कहने। नैक्सट है जी, जदों असी कोई वस्तु खरीददे हाँ तो असी उपभोक्ता बन जाते हैं, तो उपभोक्ता की हुंदा है? जदों कोई वस्तु खरीदी जाती है जिहड़ा खरीदन वाला हुंदा है वह उपभोक्ता हुंदा है। नैक्सट है जी, भारतीय रिजर्व बैंक का काम की है जी? नोट जारी करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन।
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਬਾਰਡ ਹੈ। ਨਬਾਰਡ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਬਾਰਡ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਟਰੱਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁ ਉਦੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਗਲ ਲਾਈਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਗਲ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ, RBI ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ RBI ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ RBI ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ SBI, PNB, RBI ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ RBI, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਐਂਡ ਡੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮਿਲੇਗਾ।